कोल्लमे बहु पुरातन शैवपीठ श्री रामेश्वर मंदिर प्रांगण गाधुआघाट तथा पर्यटक को आकर्षित करुवा पेढ़ा शमशान रास्ता प्रमुख सफा कर जल उत्सव तथा समग्र परिवेश सुरक्षा पुनीत सागर अभियान में रामेश्वर नदीकूल एकजुट हेले शताधिक छात्र छात्री सोनपुर कॉलेज एनसीसी कैंडिडेट को समेत महाराजा हाई स्कूल रा किछ कैंडिडेट और स्वच्छ भारत रा किछ स्वेच्छासेवी इंतरे सामिल थिले। एही अभियान को सुवर्णपुर जिला रा अतिरिक्त जिलापाल सूर्य नारायण दास शुभारंभ करी स्वच्छता जेउठी भगवान सेठी बास करंती बोली मत रखी परिवेश को उपभोग करबा ठारु अधिक उपयोग करबा जरूरी बोली कहिथिले। वायु अग्नि आकाश परी समग्र पंचभूत को शुद्ध रखिबा ओ एक सुस्थ समाज पाई गां गां रे एक सचेतनता वार्ता पहुंचाइबा को हेबो। ट्रेल है जहां पे हम रिवर बैंक क्लीन कर रहे हैं, तो हमने सोनपुर कॉलेज को ये टास्क दिया था और उन्होंने ये जो रामेश्वर टेंपल है सोनपुर का, इसका रिवर बैंक को क्लीन करने का वो लिया हुआ है और हम आज सब सुबह 6 बजे यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि सब मिलके हम इसको क्लीन करें और एक अवेयरनेस फैलाए ताकि सब लोगों में सब लोगों को जो है कि वाटर बॉडीज़ को कैसे भी हमने बचाना है। और ये हमारे DDG साहब का भी है जो उड़ीसा डायरेक्टरेट के हैं, उन्होंने पूरा है कि ऑल ओवर उड़ीसा चल रहा है और जो रिवर बैंक्स है और ओशन बैंक्स है उसमें भी ये सब काम चल रहा है। आज सब मिलके ये सब काम कर रहे हैं, थैंक यू। प्रशासन स्वेच्छासेवी अनुष्ठान और जनसाधारण दृढ़ इच्छा शक्ति और मिलित प्रयास जरूरी बोली श्री दास कहते। सारा देश में दिनकू दिन जल प्रदूषण और प्लास्टिक व्यवहार बढ़ु नियंत्रण एवं देश में व्यापक जन सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य NCC गृह विभाग डायरेक्टर जनरल निर्देश में महत् कार्य आज सारा देशर नदी और समुद्र कूल मानक चली कमांडिंग अफिसर रंजन चक्रवर्ती कहते। सम्मानित अतिथि भाव पौर अध्यक्ष प्रकाश साहू, डाक्टर आवास बाबू, पुलिस RI प्रद्युम्न कुमार पटेल जोगदे छात्र छात्री स्वेच्छासेवी को उत्साहित करते। NCC लेफ्टनेंट आशीष अग्रवाल ए सभा को संयोजना करी अतिथि को संबर्धित करथिबा बेले स्वच्छ भारत कोऑर्डिनेटर मनोरंजन त्रिपाठी धन्यवाद अर्पण करते। रक्तदाता संघर उद्युक्त मनोज पंडा, महाराजा हाईस्कल NCC शिक्षक आशीष रथम, स्वच्छ भारत वरिष्ठ सभ्य गरीब लोई प्रमोद साहू और नारायण रथ कार्यक्रम सहयोग करते। सुवर्णपुर सांसद पंडा रिपोर्ट ONA खबर।